उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राजाजीपुरम पंडित दीनदयाल महिला कॉलेज में पहुंचकर नवनिर्मित भवन कंप्यूटर क्लासरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अर्चना राजन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नवनिर्मित भवन, 3 स्मार्ट क्लासरूम, 1 छात्रा कंप्यूटर रूम, सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही इसके बाद मेगा सम्मान के अंतर्गत महाविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बीए की छात्रा ज्योति नेगी, बीकॉम की अंजलि साहू, बीएससी की श्वेता शुक्ला, पूनम यादव गृह विज्ञान, फातिमा अर्थशास्त्र, बालिकाओं को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। राजाजीपुरम पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आज लोकार्पण का कार्यक्रम था और यहाँ पर डिप्टी सीएम आज जो है उत्तर प्रदेश के बृजेश पाठक जी पधारे थे और आइए हम उनसे बात करते हैं। सर आप जो है आज यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजाजीपुरम में तो और रजत जयंती भी थी। परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत अच्छा काम हुआ है। बच्चे बहुत अच्छी बोर्ड की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और विद्यालय के प्रबंधन ने अच्छा काम किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जैसा कि यहाँ पर जो है आज जो है उसका कंप्यूटर रूम का भी उद्घाटन हुआ है, आगे चलते बच्चों को जल्दी क्या शिक्षा मिलेगी? बहुत अच्छा होगा और सारी सुविधाएं उपलब्ध है और इसमें बहुत प्रगति के अभी जगह बाकी है और मैं सारी व्यवस्था करूंगा। बात हुई मानता की मिला है आज हमारे साथ में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के सीएम बृजेश पाठक जी और यहाँ पर आज जो है लोकार्पण का कार्यक्रम था और यहाँ पर जो है आज आए हुए थे। हमने उनसे बात किया, उन्होंने स्कूल के बारे में बताया और स्कूल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी जो है कहा है और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो महिला कॉलेज है लड़कियों के बारे में उन्होंने बताया कि जो है लड़कियां आगे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी। मैं लखनऊ से